नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं रमाकांत सिंह, समाजशास्त्र प्रवक्ता पहलवान गुरुदीन विधि महाविद्यालय पनारी ललितपुर से मैं एक बार फिर समाजशास्त्र का एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। मैं इस वीडियो पर पश्चिमीकरण का अर्थ, परिभाषा और विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। पश्चिमीकरण की अवधारणा अत्यंत ही व्यापक होते हुए जटिलता लिए हुए है। इसमें भारतीय समाज में होने वाले उन सभी परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है। आज इस लेख में हम पश्चिमीकरण का अर्थ, पश्चिमीकरण की परिभाषा और पश्चिमीकरण की विशेषताएँ जानने वाले हैं। पश्चिमीकरण का अर्थ, पश्चाताप संस्कृति के रंग में रंगने की प्रक्रिया को पश्चिमीकरण कहा जाता है। पश्चिमीकरण अनुकरण की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के द्वारा भारतीय व्यक्ति पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति का अनुकरण करते हैं। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया के द्वारा भारत में पश्चिमी संस्कृति का प्रसार किया गया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण किसी गैर पश्चिमी समाज की संस्थाओं, ज्ञान, विश्वास तथा मूल्यों में परिवर्तन स्वाभाविक हो जाता है। पश्चिमीकरण की परिभाषा, प्रोफेसर M.N. श्रीनिवास के अनुसार पश्चिमीकरण की परिभाषा इस प्रकार है। मैंने पश्चिमीकरण शब्द को अन्य स्थान पर ब्रिटिश राज्य के 150 वर्षों के स्थान शासन के परिणाम स्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में उत्पन्न हुए परिवर्तन के लिए योग किया है और शब्द औद्योगिक संस्थाओं, विचारधाराओं और मूल्यों विभिन्न स्तरों पर उत्पन्न होने वाले परिवर्तनों को सम्मिलित करता है। पश्चिमीकरण का अर्थ और परिभाषा के बाद हम पश्चिमीकरण को और अच्छे से समझने के लिए पश्चिमीकरण की विशेषताएं जानेंगे। पश्चिमीकरण की विशेषताएं इस प्रकार हैं। नंबर एक, नैतिक तटस्थता। पश्चिमीकरण के परिणाम अच्छे या बुरे दो ही हो सकते हैं। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया नैतिक रूप से होती है। पश्चिमीकरण के विषय में किसी तरह का मूल्यांकन निर्णय नहीं दिया जा सकता है। आधुनिकीकरण का प्रयोग अच्छे परिवर्तन के लिए किया जाता है, लेकिन पश्चिमीकरण का प्रयोग अच्छे या तो बुरे होने की सूचित नहीं करता है। नंबर दो, सीमित अवधारणा। पश्चिमीकरण की सीमाएं निश्चित होती हैं। मतलब यह है कि पश्चिम से जो कुछ भी अनुकरण करते हैं उसके बारे में यह कहना गलत होगा कि इसकी उत्पत्ति पश्चिम से हुई है। जैसे ईसाई धर्म की उत्पत्ति एशिया से, दसलम की पत्ती आविष्कार सबसे पहले भारत के वैज्ञानिकों ने किया था आदि बातें। नंबर तीन, चेतन अचेतन प्रक्रिया। पश्चिमीकरण चेतन एवं अचेतन दोनों प्रकार की प्रक्रिया है। कई पश्चिमी सांस्कृतिक तत्वों को हमने अचेतन रूप में हमारे जीवन में सम्मिलित किया है और सामाजिक परिवर्तन चेतन रूप से देखने को मिलता है। एक प्रक्रिया, पश्चिमीकरण की एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पश्चाताप, रहन सहन, विचार और संस्कृति को अपनाया जाता है। कभी कभी व्यक्ति जानबूझकर करता है, पश्चिमी विचार और संस्कृति को अपनाता है। पश्चिमी संस्कृति अंग्रेजों द्वारा लाई गई। इस प्रक्रिया के अंतर्गत उन समस्त सांस्कृतिक तत्वों के प्रभाव को सम्मिलित किया गया है जिन्हें अंग्रेज शासक अपने साथ लाए थे। ईसाई धर्म की उत्पत्ति एशिया में हुई थी, लेकिन इसे भारत में अंग्रेज लाए थे। जटिल प्रक्रिया, पश्चिमीकरण एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें भारतीय समाज में होने वाले उन सभी परिवर्तनों को सम्मिलित किया जाता है जो पश्चाताप, औद्योगिक और आधुनिक विज्ञान के परिणाम स्वरूप होते हैं। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया जटिल होने के साथ ही बहुस्तरीय भी है। पश्चिमीकरण की अवधारणा से भारतीय समाज एवं संस्कृति में होने वाले बहुस्तरीय परिवर्तनों का बोध होता है। इस लेख में हमने पश्चिमीकरण का अर्थ और परिभाषा के साथ
पश्चिमीकरण की 6 विशेषताएं जानी। उम्मीद करता हूं कि आपको पश्चिमीकरण को जानने से उपयोगी लाभ होगा। भारतीय जीवन का पश्चिम प्रभाव। भारतीय जीवन पर पश्चिम के प्रभाव के संबंध में श्री हुमायूं कबीर ने लिखा है कि यूरोपीय भावनाओं ने प्रत्येक वस्तु की सूक्ष्म परीक्षा की है। एक ओर तो भौतिक जीवन की अवस्थाओं में परिवर्तन हो गया है और दूसरी ओर विश्वासों और परंपराओं के आधारों को नष्ट कर दिया है। पश्चिम का यह प्रभाव भारतीय जीवन में जाति प्रथा, शिक्षा, सामाजिक जागृति, राजनीतिक जागृति, संयुक्त परिवार व्यवस्था, अर्थ व्यवस्था, विवाह की संस्था, अस्पृश्यता तथा रीति रिवाज आदि पर पड़ा। भारत में जाति प्रथा पर पश्चिम के प्रभाव में निम्नलिखित उपकरण महत्वपूर्ण कारक थे। जाति प्रथा पर पश्चिम का प्रभाव। औद्योगिकरण। अंग्रेजों के आने से भारत में नए नए उद्योग धंधे बढ़े। कारखानों में सभी धर्म जातियों के लोग एक साथ काम करते थे। उनकी समस्याएं एक हैं और उनके स्वार्थ भी एक हैं। साथ साथ काम करने आदि से परस्पर मिलना जुलना आवश्यक हो गया। ऐसी परिस्थिति में ऊंच नीच का भाव चल नहीं सकता है, अतः जातिगत भेदभाव के बंधन ढीले पड़ने लगे हैं। नगरीकरण। औद्योगिकरण के कारण देश में सैकड़ों छोटे बड़े नगर बढ़ने लगे हैं और लाखों मजदूर गांवों को छोड़कर नगरों में काम करने लगे हैं। नगरों की भीड़भाड़ से दूर दूर से आए हुए लोगों का जात पात का विचार कम होने लगा है और उन पर जातीय पंचायतों का निर्णय उठ जाने से जातीय बंधन ढीले पड़ने लगे हैं। इस प्रकार नगरीकरण के जाति प्रथा को बड़ा निर्बल किया। आवागमन के साधन। आवागमन के साधनों से जाति के बंधन ढीले पड़े हैं। आवागमन के साधन रेल, बस, टैक्सी, रिक्शा आदि में यात्रा करने वाले छुआछूत का विचार नहीं रखते हैं। इसलिए जब हमने रेलगाड़ी चली तो पहले लोगों ने घोर विरोध किया था, परंतु अब सभी लोग रेलों और बसों का प्रयोग करते हैं। अंग्रेजी शिक्षा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार से जाति प्रथा को बड़ा धक्का लगा। अंग्रेजी पढ़ने से लोगों में उदार विचारों का प्रचार हुआ। उनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा के साथ साथ उनके विचारों पर पश्चिमी विचारों, स्वतंत्रता, समानता आदि का प्रभाव पड़ा। इससे पढ़े लिखे लोगों में अंतर जातीय विवाह होने लगे। पढ़ाई के लिए विदेश जाने वाले लोगों को बहुधा पूरे साहस बनकर लौटते थे। प्रारंभ में विदेश जाने का बड़ा विरोध था, परंतु अब धीरे धीरे इस प्रकार की संकीर्णता उठती जा रही है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार से स्त्रियों में स्वतंत्रता और समानता की भावना फैली है। पश्चाताप सभ्यता का प्रभाव। पश्चाताप सभ्यता के प्रभाव से भारत में जाति प्रथा के बंधन टूटने लगे हैं। पश्चाताप सभ्यता के रंग में रंग कर सभी जातियां का खान पान, वेशभूषा, रहन सहन, रीति रिवाज आदि एक से हो गए हैं। उनमें जाति के स्थान पर वर्ग का भेद दिखाई देने लगा है। कलकत्ता में जब पहला मेडिकल कॉलेज खुला था तो मुर्दा चिड़ना अधर्म और जाति भ्रष्ट करने वाला माना जाता था। बाद में यह मान लिया गया कि शिक्षा की दृष्टि से मुर्दा चिड़ना बुरा नहीं है। पानी के पाइपों तथा होटलों के खान पान में छुआछूत के विचार को बहुत कम कर दिया। जब काशी में नल लगाए गए तो लोगों ने उनका या इसका आधार पर विरोध किया। जल विभाग में ना जाने किन किन जातियों के लोग काम करेंगे और ऊंची जाति के लोगों को उनके हाथ का पानी पीकर भ्रष्ट होना पड़ेगा, परंतु जब सभी नल का प्रयोग करते हैं। प्रारंभ में अंग्रेजों के लाए हुए आलू टमाटर आदि को खाने में लोग संकोच करते थे। अब ब्राह्मण लोग बिस्कुट, आइसक्रीम, अंडों वाला केक आदि बेधड़क खाते हैं। अस्पृश्यता पर पश्चिम का प्रभाव। जाति प्रथा को दुर्बल बनाने के साथ साथ पश्चिम के प्रभाव में भारत में अस्पृश्यता के विचार को मिटाने में सहायता की। आवागमन के साधनों में नगरीकरण, औद्योगिकरण आदि के कारण भी अस्पृश्यता का विचार
ढीला पड़ा, क्योंकि सड़कों पर बसों, रेलों, रिक्शों में, स्टेशनों, होटलों में और कल कारखानों में किसी की जात पात पूछ कर उठना बैठना, खाना पीना आदि नहीं हो सकता है। पश्चाताप शिक्षा के प्रसार से लोगों में समानता की भावना उत्पन्न हुई, देश में सामाजिक राजनीतिक जागृति फैली। बस आज का व्याख्यान यहीं समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।